Assalamu alaikum everyone, I am Aiza and today I am here with one of the most upcoming iconic singers, Zafar Iqbal. Assalamu alaikum sir. Jee walaikum salam. How are you? I am fine, thank you. So how were your toward the studio? It was fantastic and a very good experience. So what about the weather of Lahore? कुछ ना पूछे जो लास्ट आखिरी तीन दिन हमने धुंध में गुजारे हैं वो अल्लाह ही जानता है. इट वाज वेरी टफ. बहुत टफ था, मतलब हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और बड़ी टेंशन वाला काम बन गया था. और रात को शूट भी लेट ख़त्म हो रहे थे क्योंकि स्टार्ट लेट होते थे धुंध की वजह से, तो ट्रैवलिंग जो थी काफ़ी मुश्किल थी हमारी. Everyone is facing this problem. So before I bombarding him with a lot of questions, please shed some light on your musical background. जी, मेरा म्यूज़िकल बैकग्राउंड 12 साल पहले शुरू किया था कैरियर. उस टाइम मैं बैंड की शक्ल में था, पाकोस के नाम से. तो हमने दिल मंगदा सॉन्ग था हमारा, उससे स्टार्ट लिया था. तो लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख सका, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए मुझे इस फील्ड को छोड़ना पड़ा. तो अभी अगस्त में मेरा गाना लॉन्च हुआ है एतवार, उससे मैंने रिस्टार्ट किया अपना ये म्यूज़िक कैरियर दोबारा से. तो अभी दो सॉन्ग और हमने रिकॉर्ड किए हैं, होपफुली उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा वीडियो का और लोगों को पसंद भी आएगा. तो कब आपका ये न्यू दो सॉन्ग्स हैं लॉन्च हो रहे हैं? अभी हम प्लान कर रहे हैं वैलेंटाइन पे एक पहला गाना. ओके, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग है. That's तो nice. जितने भी रोमांस करने वाले लोग हैं उम्मीद करते हैं कि उनको वो गाना पसंद आएगा इंशाल्लाह. सो मैंने वैसे आपका एतबार सॉन्ग सुना और मुझे बहुत पसंद आया. थैंक यू. इफ यू डोंट माइंड इफ यू वांट टू लाइक give a teaser to the audience. जी, in your voice. एतबार का? जी बिल्कुल एतबार. जी मैं सुना देता हूँ. सपने विच तेरी तस्वीर बना के मैं बस वेखी जावा, तकदीर बना के मैं अखियां च वसदाए सावा च भी वस जा तू, दिल विच रह सजना कद दूर न जावी तू. तू मेरा एतबार कर ले, तू बस एक बार कर ले, मैं कर दा हां प्यार जितना अद्दा ते तू भी यार कर ले. That's so nice. Thank you. Usually लोग instruments play करते हैं, ठीक है, और मतलब vocalist इतने अच्छे नहीं होते, but माशाल्लाह you have got good voice as well. Thank you very much. तो अभी ये song थोड़ा सा sad लग रहा है मुझे, ठीक है. तो इसके पीछे आपके कोई emotions भी हैं या बस ऐसे ही random? जी, इसके पीछे कोई emotions नहीं है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने एक जो लोग गाना सुनते हैं, ऑडियंस जो होती है, वो जब एक सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आर्टिस्ट से हमेशा पूछते हैं, जी इसके पीछे क्या वजह थी, आपने ये सैड सॉन्ग क्यों बनाया, क्या आपका दिल टूटा, क्या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया. तो लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई वजह नहीं थी, ना मुझे किसी ने धोखा दिया है, ना मेरा दिल टूटा है. तो मैं असल में एज अ कंपोजर जब भी एक गाना बना रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं हर तरह का गाना बनाऊँ, उसमें सैड सॉन्ग भी हो, उसमें रोमांटिक सॉन्ग भी हो, उसमें एक डांसिंग ट्रैक भी हो. तो मैं, आप मेरे आने वाले दिनों में सॉन्ग्स सुनेंगी, मैं कोशिश ये करूँगा मैं हर तरह का गाना गाऊँ, ताकि मेरे ऊपर कोई छाप ना लगे कि ये एक ही तरह के गाने गा. He's very emotional kind of person. बिल्कुल, मैं मतलब एक वर्सटाइल सिंगर बनना चाहता हूँ और मैं हर एज और हर कम्युनिटी के लिए गाना चाहता हूँ और हर ओकेजन के लिए गाना गाना चाहता हूँ, ताकि वो मेरा गाना फ्रेंड्स भी आपस में सुन सकें, लड़कियां सुन सकें, लड़के सुन सकें, कपल्स सुन सकें, यंगस्टर्स सुन सकें, जिनके दिल टूटे हैं वो भी सुन सकें, वो भी सुन, जिनके दिल ताज़ा ताज़ा जुड़े हैं वो भी सुन सकें. तो मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं हर गाना पिछले गाने से अलग करूँ, डिफरेंट करूँ. बिल्कुल डिफरेंट करूँ. बिल्कुल. तो आप जो मतलब म्यूजिक कंपोज करते हैं, ये सारा आप खुद करते हैं? हाँ जी, कंपोजिशन मेरी अपनी होती है, लिरिक्स मेरे अपने होते हैं, लेकिन म्यूजिक जाहिर है म्यूजिशियन देते हैं. और तो मतलब यूजुअली होता है ना कि जब एक राइटर है या एक पोइट है, जब वो पोइट्री करता है या बुक राइट करता है, तो दे नीड दैट एनवायरनमेंट, दैट सिचुएशन टू फील. तो क्या आपके लिए भी ये होता है कि आपको वो सिचुएशन फील करनी पड़ती है सॉन्ग लिखने के लिए कि नहीं? मतलब हाँ बिल्कुल, ये जब भी आप कोई चीज़ कंपोज कर रहे होते हैं तो आपने माइंड में एक चीज़ बिठानी होती है, मैं एक चीज़ चीज़ बनाने लगा हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग है, मिसाल के तौर अगर वो रोमांटिक है तो मैं वो सिचुएशन माइंड में लेके आता हूँ रोमांस वाली, ताकि मेरे अंदर फील आए और मैं उस फील में रह के एक अच्छी चीज़ लिख सकूं, ताकि वो चीज़ अगले बंदे को टच करे, अगले बंदे के इमोशंस को टच करे. तो ये इमोशंस का होना बड़ा ज़रूरी है. जब भी आप कोई चीज़ तख्लीक कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपके अंदर इमोशंस उस चीज़ को लेके सेम होने चाहिए, तभी अच्छी चीज़ आप लिख सकते हैं.
तो जो आपने सिंगिंग आपको बचपन से ही शौक था, ये मतलब आपने बताया कि आपने 12 साल पहले अपने इस करियर को स्टार्ट किया फिर शट कर दिया, तो क्या बचपन से ही आपको सिंगिंग का शौक था? हाँ, मतलब सिंगिंग का शौक इस तरह आप कर सकते हैं कि मैं जब स्कूल में होता था तो मेरे टीचर्स मुझसे मिली नगमे गवाया करते थे, नात पढ़ता था मैं स्कूल की जो असेंबली होती है उसमें, तो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे मुझे फ्रेंड्स और सारे कहते थे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जब फ्रेंड्स सारे बैठते थे इकट्ठे होके तो मुझे कहते यार फलां गाना सुना दो, तो मैं गुनगुना देता था तो मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती थी फ्रेंड्स की जानिब से। तो मेरे माइंड में आया कि यार मेरे जब फ्रेंड्स को एक चीज़ पसंद आ रही तो क्यों ना मैं इसको एज अ प्रोफेशन या इसको प्रोफेशनली लेके क्यों ना दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो अब मुझे लगता है कि जो आज का टाइम जा रहा है ये लोगों तक अपनी चीज़ पहुंचाना सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है। आज से 12 साल पहले ये थोड़ा मुश्किल था, आपको अपना आप प्रमोट करने के लिए, अपना सॉन्ग्स प्रमोट करने के लिए टीवी चैनल्स का मोहताज होना पड़ता था। अभी आप किसी के मोहताज नहीं, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, तो लोगों तक पहुँचाना ज़्यादा ईजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू 12 साल पहले। तो अभी आप कोई भी चीज़ बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, उस पर डालें, लोग आपको पसंद करने, अगर पसंद करेंगे तो खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे और आप वायरल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी नज़र में, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब हर कोई अब तो मतलब पोस्ट कर देता है, अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, दे गॉट गुड व्यूज, तो आपको लगता है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या कोई नेगेटिव नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा होता है, मेरे ख्याल में कंपटीशन होना चाहिए। आप कंपटीशन से इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि कंपटीशन से आप इम्प्रूव इस तरह से करते हैं कि आप कोशिश करेंगे मैंने उससे अच्छा करना, उससे मेरा म्यूजिक मेरा उससे अच्छा होना चाहिए, मेरे लिरिक्स उससे अच्छे होने चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है, बंदा सीखता है कंपटीशन से, कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए। तो जब आपने अपने करियर को स्टार्ट किया, जब इसकी तरफ आपने सोचा कि मतलब मैंने अभी सिंगिंग करियर को परसू करना, तो आपको क्या ऐसी मतलब हार्डशिप्स थी जो आपने फेस की? क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक ज़मींदार घराने से, तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी बिरादरी है, उसमें ऐसा काम किसी ने किया नहीं, मतलब सिंगिंग किसी ने की नहीं एज अ प्रोफेशन, किसी ने नहीं लिया सिंगिंग को। तो आप जब डॉक्टर इंजीनियर, जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया, बनना चाहते हैं तो हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, जी आप डॉक्टर बन जाओ, पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, हर बंदा आपको सपोर्ट करता है। लेकिन ये प्रोफेशन हमारे तबके में, मतलब गाँव में, देहाती माहौल में, इसको बिल्कुल डिफरेंटली लिया जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं लिया जाता। तो मुझे जब मैंने इस पहला सॉन्ग बनाया 12 साल पहले, तो सारे मेरे जो भाई थे, मेरे जो फैमिली थे, उन्होंने काफ़ी, मेरे घर वालों ने काफ़ी अगेंस्ट थे मेरे, उन्होंने कहा यार हमें सूट नहीं करता, हम इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम इस फील्ड में नहीं जा सकते, इस फील्ड को अच्छा समझा नहीं जाता। लेकिन अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों के अच्छी अच्छी फैमिली से लोग आना शुरू हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए, तो अभी घर वालों के भी माइंड थोड़े चेंज हो गए हैं। अभी जब मैंने दोबारा इस तरफ आने का फैसला किया तो अभी मुझे वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई तुम्हारा शो के पीछे तुम्हें हटना नहीं है, तो हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट हो तो फिर इंसान ज़रा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे निकलता है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर बचपन से उदित नारायण, उनके गाने ही गाता था मैं दोस्तों में बैठ के, और उसके अलावा सुनने की हद तक और भी बहुत सारे हैं जिनमें पाकिस्तानी, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनको तो कौन नहीं है जो उनको पसंद नहीं करता, कोई ऐसा सिंगर है नहीं जो उनको पसंद नहीं करता, बल्कि उनसे लोग सीखते हैं, और पूरा बजाते खुद एक इंस्टीट्यूट है नुसरत फतेह अली खान साहब। तो उसके बाद राहत फतेह अली खान साहब हैं, सजाद अली, आतिफ असलम, अदनान समी खान को बहुत सुनते थे हम 90s में, तो अब भी सुनते हैं, लेकिन उस टाइम वो क्योंकि उन्होंने एक म्यूजिक को डिफरेंट शक्ल दे दी थी, आवाज़ डिफरेंट, तो आवाज़ डिफरेंट थी, म्यूजिक का स्टाइल उनका डिफरेंट था, तो काफ़ी उन्होंने इम्प्रेस किया था उस टाइम पे। बस सबकी तरह यही जो सबके फेवरेट, तो कवालियों का शौक है अगर गाने का मौका मिले कभी तो? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर तरह का म्यूजिक करूँ, हर तरह का म्यूजिक करूँ, मैंने भंगड़ा भी करना है, मैंने कवाली भी करनी है, मैंने सैड सॉन्ग्स भी करने, मैंने हैप्पी सॉन्ग्स भी करने, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं हर तरह का म्यूजिक करूँ, कोई भी हो, मैं अपने कोई एक स्टाइल नहीं पकड़ूंगा। तो आपको लगता है कि आपकी वॉइस इस कैपेबल है कि आप जो है पार्टी सॉन्ग्स गा सकें? मतलब जी बिल्कुल, मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता, मैं कोशिश करूँगा सॉन्ग्स बनाऊँ हर तरह के, आगे पसंद ना पसंद तो मेरी ऑडियंस ने करना।
ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल हमारी जो ऑडियंस है वो यूजुअली सैड सॉन्ग सुनती है और लव सॉन्ग सुनती है, क्योंकि 90% आवाम जो है वो इंटरनेट के हाथों दिल तोड़ के बैठी हुई है. अच्छा वैसे जो आपका सॉन्ग है तबार कर ले, ये पंजाबी लैंग्वेज में जी. तो क्या आपको पंजाबी लैंग्वेज के साथ कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी या वैसे ही आपने सोचा कि नहीं पंजाबी में? नहीं एक्चुअली एज अ मतलब लिरिक्स करने में मुझे आसानी होती, क्योंकि मेरी मैं बचपन से पंजाबी बोलता आ रहा हूँ, पंजाबी घराने में मैं बड़ा हूँ. और आजकल मैंने नोटिस किया कि पंजाबी बहुत ज़्यादा फैल गई है और पंजाबी सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा सुना जाता है एज कम्पेयर टू उर्दू सॉन्ग्स. पंजाबी ऑडियंस मुझे लगता है कि ज़्यादा है, अपनाइत फील होती है, अपनाइत फील होती है उसमें, फील भी ज़्यादा है. और मेरा जो नेक्स्ट आने वाला सॉन्ग है वो भी पंजाबी में ओके. और उर्दू भी कर रहा हूँ मैं सॉन्ग, मैंने उर्दू सॉन्ग भी लिख के रखे हुए हैं. और ये नहीं कि मैं सिर्फ पंजाबी में ही गाने करूँगा, मैं उर्दू सॉन्ग भी करूँगा, लेकिन फिलहाल एतबार भी पंजाबी में था और जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग सॉन्ग है वो भी पंजाबी में. तो रैप वगैरह का शौक है आपको इंग्लिश में? रैप मैं नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता. अपने सॉन्ग्स में भी ऐड नहीं करेंगे? हाँ ये ऑप्शन है मेरे पास, मैं किसी अच्छे रैपर को के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल नहीं है. मतलब अगर मैं करूंगा तो मैं बुरा लगूंगा अगर मैं रैप करूं. नहीं आपने यूजुअली पंजाबी सॉन्ग्स में होता है ना कि रैप ऐड किया होता है. जी जी हाँ, ये बिल्कुल हाँ, ये चीज एक्सपीरियंस मैं करूंगा आने वाले दिनों में. लेकिन ये नहीं कि मैं खुद, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं रैप करूं, तो हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है. रैपर वास्तव आपने देखा होंगे बड़े अच्छे अच्छे रैपर हैं, लेकिन वो अच्छी सिंगिंग नहीं कर सकते. और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो रैप नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है रैप, रैप करने वाली. तो हाँ मैं उसको अपनी फीचरिंग कर सकता हूँ किसी अच्छे रैपर के साथ, अपने सॉन्ग में ऐड कर सकता हूँ खूबसूरती के लिए. आपको कभी किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी हो ठीक है, जो आपको लगता है कि बहुत वर्दी और जिस चीज़ पे आपने बिलीव किया हो ठीक है, और मतलब आपको लगता है कि आज भी आपको वो वर्ड्स जो हैं वो याद हैं और दे वर वेरी हेल्पफुल लाइक परसुइंग इन योर करियर, तो ऐसी कोई है आप किसी ने आपको एडवाइस दी? बिल्कुल, इसको मैं एक बिजनेस में अपनी एक एडवाइस थी मेरे बड़े भाई की, उसको मैं इसके साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो बिजनेस के बारे में थी कि मैं एक बिजनेस कर रहा था, उसमें मुझे रेगुलर लॉसेस हो रहे थे. कुछ 2-3 साल तक मैं लॉस करता रहा, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो गया. मैंने कहा मैंने बस मैं छोड़ने लगा हूँ ये काम. तो मेरे भाई से मशवरा किया, मैंने कहा यार मैं काम छोड़ रहा हूँ, तो मुझे इसमें कंटिन्यू नहीं रखना, मैं तो लॉस ही होते जा रहा हूँ. 6 महीने काम करता हूँ लॉस हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है. तो उसने मुझे कहा यार तुम अब फिर नए करियर में जाओगे तो तुम्हें उसमें टाइम लगेगा, अब तुम इसमें एक टाइम दे चुके हो अपनी ज़िंदगी के, 3 साल डाल चुके हो, तो तुम ये समझो कि मैंने 3 साल एक कोर्स किया है, वो जितना मेरा लॉस हुआ है मैंने उसमें उसकी फ़ीस दे दी, तो मैंने पे कर दिया, तो एक ट्राई और कर लो. तो वही बात थी कि वो एक इंग्लिश की कहावत भी है कि ट्राई ट्राई अगेन, तो वैसा ही हुआ मेरे साथ. मैंने लास्ट ट्राई की लेकिन उसमें मैं सक्सेसफुल रहा और आज माशाल्लाह मेरा बिजनेस अच्छा है, अच्छी तरह वही बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है जिसमें मुझे रेगुलर लॉसेज हो रहे. तो ये भी मैं म्यूजिक को भी इसके साथ थोड़ा कंपेयर करूंगा कि ये भी ऐसी फील्ड है, आपको हार नहीं माननी चाहिए. आप एक गाना बनाते हो ऑडियंस को नहीं पसंद आया, आप करते रहो. कोई भी मतलब म्यूजिक की फील्ड ऐसी है कि आपको इसमें इन रहना पड़ता है, आपको चीज़ें लानी पड़ती है मार्केट में, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता कि कौन सा गाना आपका क्लिक कर जाएगा, कौन सा गाना ऑडियंस को अच्छा लगेगा और किस गाने से आप क्लिक कर जाएंगे और लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे. चले जी, इस अच्छी एक एडवाइस के साथ आज का हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं. तो आपने भी इनके वर्ड्स बिल्कुल नोट डाउन कर लेने के, ट्राई ट्राई अगेन एंड इंशाल्लाह वन डे यू विल विन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.